अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एडवोकेट महजमी अबासी है। मैं लाहौर से या स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के केस को सुनने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया गया है। हमारे जो बेसिक हकूक हैं उनकी पमाल उनको पमाल किया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ बैठ के एज ए लॉयर, एज ए इंसान, हमें ये सुनना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए, कानून के तालब इल्म होने के नाते मैं क्योंकि हर टाइम हमने सीखना भी होता है, लर्निंग करनी होती है। तो जो चीज़ जहाँ पे बैठ के हम लोग देखते हैं, करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हर बंदे अपने माइंड के मुताबिक परसेप्शन करनी होती है जहाँ बैठ के। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट अगर हम परसेप्ट करके डायरेक्ट अगर लर्निंग करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। मुतवक्का तो अब जो कोर्ट कहेंगे हमारे, लेकिन मेरे छोटे से माइंड के मुताबिक अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए। कोई भी हो उसको इतना हक नहीं होना चाहिए कि उठ के आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। किसी के बाप का पाकिस्तान तो है नहीं। हमने आवाम ने इलेक्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे उनको इलेक्ट किया है, तो उनको ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आइंदा फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। अगर पहले भी जो माजी में भी इस तरह से हो चुका है और वो लोग जो बाहर जाके बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अगर उन पर भी ये इतलाक़ होता और किसी एक बंदे को भी इस तरह से हो जाता, तो उसके बाद मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट होनी थी और इनको खौफ होना था। अब किसी को ये खौफ नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ कागज़ का टुकड़ा समझ रही है। मैं जिस दिन 9 बजे, मतलब जब वो कोर्ट बताते हैं, जिस अगर 9 बजे कहें तो मैं 9 बजे आ जाती हूँ, जब 11:30 बजे लगना होता तो फिर मैं 11 बजे आ जाती हूँ।